अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ आलू की तहारी की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, तो चलिए आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की तहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलू लेके इस तरीके से कट कर लिए हैं। आप आलू कम और ज़्यादा और साइज़ जैसा आप चाहते हैं उस तरह आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं। साथ में मैंने ले ली है तकरीबन 5 मीडियम प्याज ले लिए, क्योंकि मैं 5 गिलास चावल बना रही हूँ तो 1 गिलास में मैं 1 मीडियम प्याज के हिसाब से प्याज को ले रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने 3 टीस्पून दही के ले लिए हैं, और उसके साथ 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। और मसालों में मैंने जो है 2 टीस्पून जो है मैंने कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं। साथ में मैंने 2 टीस्पून नमक ले ली है। बाद में नमक में दम से पहले चेक कर लूँगी, ज़रूरत होगी तो फिर हम और इस्तेमाल कर लेंगे। साथ में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का ले रही हूँ। साथ में मैं ले रही हूँ गरम मसाला, इसके साथ में मैं ले रही हूँ ज़ीरा। साथ हम ले रहे हैं साबुत खड़ा गरम मसाले की चीज़ें, जो जिसमें बेलीज है, मोटी इलायची है, बैदियान का फूल है, जलवत्री का एक फूल है, और कुछ काली मिर्चें और लौंग हैं। साथ में मैं कुछ हरी मिर्चें ले रही हूँ और पुदीना, और 1 टीस्पून जो है मैं हल्दी का ले रही हूँ, और 1 टीस्पून ही मैं पिसी हुई सौंफ का ले रही हूँ। साथ में मैं ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो साथ में हम तेल ले लेंगे, तो चले आएँ शुरू करते हैं। अब मैंने पतीले को चूल्हे पर रख लिया है, और इसमें तकरीबन मैं 1 1/3 कप जितना ऑयल जो है मैं इसमें डालूँगी। और साथ ही हम इसमें अपना साबुत खड़ा गरम मसाला डाल लेते हैं, जिसमें ज़ीरा है, बेलीफ के पत्ते हैं, बदियान का फूल है, मोटी इलायचियाँ हैं, और काली मिर्च, लौंग, और माइस का पीस है। और इसमें मैं 2 स्टिक्स जो है इलायची के भी शामिल करूँगी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो अब हम इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, और फिर हम इसमें जो है अपना प्याज शामिल कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले पकना शुरू हो गए हैं, तो इस वक्त हम अब इसमें अपना प्याज को शामिल कर देते हैं। और साथ ही हम इसमें नमक को शामिल कर देंगे। नमक हम इसलिए साथ में शामिल करेंगे कि ये हमारा प्याज जो है बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो अब हम अपनी प्याज को लाइट ब्राउन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें हम जो है अब आलूओं को शामिल कर देते हैं। हमने इसमें अब आलू शामिल कर दिए हैं, साथ ही हम इसमें अब हल्दी का पाउडर शामिल कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब थोड़े से हमने आलूओं को 2-4 मिनट जो है तकरीबन मैंने 5 मिनट तक इनको भून लिया। अब इसमें मैं जो है टमाटरों को शामिल कर दूंगी, साथ ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देते हैं। साथ में 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर को हम शामिल कर देते हैं। साथ इसमें मैं 1 टीस्पून सौंफ का शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैं इसमें करूड़ी मिर्चों का शामिल कर रही हूँ, कुटी मिर्चें कह लें। 1 टीस्पून जो है इसमें मैं लाल मिर्च का शामिल कर रही हूँ, और साथ ही हम इसमें अपनी दही को शामिल कर देंगे। और अब इन तमाम मसालों को डाल के मैं अच्छा सा भूनूंगी कि हमारे आलू जो है तकरीबन 80% गल जाएँ, और 80-90% हम अपने आलुओं को गला लेंगे, और उसके बाद जो है मैं आगे आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने आलूओं को मसाले के साथ कितना अच्छी तरह से भून लिया है, और आप ये देख सकते हैं कि हम अपने चम्मच से जब आलूओं को तोड़ें तो ये आसानी से टूट रहे हैं। तो अब हम इसमें जो है पानी शामिल करते हैं। मैंने 5 गिलास पानी लिया था, तो मैं तकरीबन 6.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि मैंने पानी चावलों को तेज़ गर्म पानी से धो के भिगो के रखा हुआ था 15-20 मिनट्स के लिए। तो आप अपने चावल की क्वालिटी के हिसाब से जो है पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कम या ज़्यादा। अब मैं इसमें एक उबाल का इंतज़ार करूंगी और उस वक्त फिर मैं नमक चेक कर लूंगी और फिर हम इसमें अपने चावल जो है शामिल कर देंगे। हमारे चावलों में जो है उबाल आ गया है। अभी मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक और डाला था लेकिन मुझे थोड़ा फीका लग रहा है तो तकरीबन 1.5 टीस्पून में मैंने इसमें मज़ीद नमक का डाला है। और अब हम इसको जो है अच्छा सा हिला के चेक कर लेते हैं। नमक जो है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से जो है नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि चावलों का मज़ा तभी आता है कि जब चावलों में नमक बिल्कुल बराबर हो। तो अब हमारा नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इसमें है अब हम जो है हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे, साथ में मैं इसमें पुदीने को शामिल कर दूंगी और साथ ही हम इसमें अपने राइस जो हैं अब शामिल कर देते हैं। हमने अब चावल डाल लिए हैं इसमें और हम इनको अच्छे से हिला के मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसको तेज़ आंच पे ही बनाएंगे, जब इसमें बबल्स आने लग जाएंगे तो हम इसको अखबार का दम लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने लगे हैं, बस इसी वक्त जो है अब हम इस चावलों को दम पे लगा देंगे और मैं इनको 15 मिनट का दम दूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कैसे बन के रेडी होंगे। अब आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का दम मैंने दिया था और हमारे चावल जो है बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आप लोगों को जो है डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार आलू की तहारी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो है मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी और इसको लाइक कीजिएगा। और इसको मैं जो है सर्व कर रही हूँ लहसुन की चटनी के साथ, तो इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से ही ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।